हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमें ये बहुत ही ज़रूरी ट्रिप चाहिए थी, बहुत ही ज़रूरत थी। आज 31 दिसंबर है और अभी राजा सलमान जो हम लोग का वो आ रहा है, तो अभी हम लोग करने वाले हैं चेक इन। और यहाँ पे डॉगी भाग रहे हैं, डुगू मेरे पास में ही है और ये मेरा पर्स है, वहाँ पे है राजा। हेलो, तो हम लोग आ गए हैं टाइगर डेन रिसोर्ट। तो इस रिसोर्ट में लंच का समय वैसे तो 2:30 बजे तक था, लेकिन अभी 3:30 बज गए, हम लेट हो गए हैं। बोला तो था हम लोगों को लंच का तैयार रखना, देखते मिलते नहीं, ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे कभी नहीं मिलेगा। देखते हैं, तैयार तो करके रखा होगा ना। हाँ यार, अच्छा यहाँ से ये ऐसे चल लो लग। आ गए हम लोग रेस्टोरेंट में, यहाँ का फूड है वो बहुत टेस्टी है, इसलिए फूड बहुत टेस्टी यहाँ का, इसलिए मैंने ये रिसोर्ट बुक किया है। मतलब मोगली करते थे पहले, मोगली तो फुल हो गया था, रिसोर्ट बुक नहीं हुआ। ये भी बड़ी मुश्किल से हुआ है, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ा तभी जाके ये रिसोर्ट बुक हुआ है। कल के कल में एक दिन में बुक किया है। चलो भूख लग रही है ना, तो मैं खेल रहे हैं। आपका खाना आ गया, मेरा खाना। इनके पैर तो देखो क्या चला, जुराबे निकालेगा ये, कोई जुराब निकालना चाह रहा था। खाना हम लोगों का हो गया, ये बस राजा के लगे हुए हैं अभी, क्योंकि राजा का फेवरेट चिकन है। राजा यहाँ पे तो खाना खाने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे हमारे आने का मोटिव था खाना खाना, है ना। मुझे तो खाना खाने पापा बहुत भुक्कल देखे, भुक्कल कितनी देर तक खाना खाएंगे, कब तक खाना खाएंगे, हमें घूमने जाना है। इसे खुशी तो देखो, इतनी हैप्पी है, इतनी हैप्पी है। जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने और हम लोग जा रहे हैं बाहर, मतलब कि थोड़ा सा सामान लेके आना हम लोग को। मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ लानी है, मैं अपनी दवाइयाँ लाना भूल गई हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा न्यू ईयर प्रिपरेशन चल रही है और रात में कुछ स्पेशल होगा। हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला था, है ना राजा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल हम लोग छोटा छोटा सा ही वो कर रहे हैं, चेकिंग करना। हमने चेकिंग नहीं किया, बुक किया था कल, उसके बाद पहले हमने खाना खाया, हमने बोला चेकिंग कर लेंगे, अब चेकिंग करने जा रहे हैं। कितना एंजॉय कर रहा है, मेरा डुगू बहुत खुश हो जाता है जब बाहर आता है। हम लोग खाना खा के आ गए हैं और मैंने डुगू को सुला दिया। राजा वहाँ पे गरम गरम हवाएं खा रहे हैं हीटर की और हमारा डुगू सो गया। तो खाना खा के ना ये दोनों, डुगू ने फीड कर लिया था और राजा ने खाना खाया। मैंने शाम की चाय मंगवाई है, मैं चाय पी के थोड़ी फ्रेश हुई, क्योंकि आज रात को पार्टी करनी है और यहाँ पे ना कुछ कुछ हो तो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस। तो ना आपको पता है, राजा और डुगू दोनों सोए पड़े, उन्हें कोई मतलब नहीं कि क्या पार्टी क्या नहीं हुई है। और अभी 8 बज रहे हैं, दिखाते हुए मैं तो, ये लोग सो रहे हैं
पर मैं कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि क्या है डुगू को मुझे को रेडी करना है, ठीक है, डुगू को मुझे को रेडी करना है, और उससे पहले मुझे खुद भी रेडी होना है। राजा उठेंगे बोलेंगे अरे तैयार हो तैयार तैयार, फिर मैं बोलूँगी आपने लेट किया, तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि हम लोग को निकलना है पार्टी के लिए। अरे मैं 100 साल की लाई हूँ अपनी, सिर्फ एक ही चाहिए। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. ये वाले कपड़े पहने, बट बहुत बहुत ठंड है, तो मैं नॉर्मल जीन्स टॉप और हुडी वगैरह में चेंज कर रही हूँ, क्योंकि हमसे ना हो पाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड है, तबीयत खराब हो जाएगी। डुगू को मैंने ट्रिपल स्वेटर, हाँ चलो चलते अभी सब चेंज हो गया ना, घूमी घूमी टोपा सॉक्स जो कि डबल है पहना दिया, और ये राजा है। तो हम लोग जा रहे हैं पहले ट्राइबल डांस देखते हैं, वो निकल जाएगा, उसका टाइम बहुत 10 बजे तक है, हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए, सो गया था। तो मैंने चेंज करके ये पहले, मैंने भी हुडी और ये और टोपा पहना है, तो जो बोझो तो डुगू मेरे कपड़े मैच कर रहे हैं, ये देखिए, पर अभी अच्छे से दिखाएंगे, पर फिलहाल हम लोग चलते हैं क्योंकि लेट बहुत हो गए। एकदम शांत और बहुत पीसफुल विद फैमिली है ना। तो यहाँ पे अंगीठी जल रही है, मिस्टर डुगू बहुत इंजॉय टाइप का तो नहीं कर रहा है बाय द वे, बिकॉज ही अभी सो के उठा, इज वेरी सीरियस, बट फिर भी देख रहा था। हाँ बेबी नहीं आ रही है से। लोग आ गए हैं वापस, डुगू को सुला दिया जाए, पता मुझे लगे डुगू को सुला देते हैं, अभी हम लोग थोड़ी सी पार्टी करते हैं। डुगू को सुला दिया गया है और यहाँ पे इतनी प्यारी सी लाइट आ रही है, तो ना अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा लेक बैठेंगे, थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे, थोड़ा सा हमारा टाइम इन्जॉय करेंगे। मैंने खिड़की खोल दी, मतलब कर्टन खोल दिया, तो डुगू वहाँ पे सो रहा है, मैंने उसे ऊपर से नीचे से साइड से इधर से तकिए से सिक्योर कर दिया, कंबल ढक दिया, तो अगर वो उठेगा तो तकिया हिलेगा। तो अकेले ही हम लोग पगला रहे हैं पार्टी घर में, तो यहाँ पे ऐसा सुनसान छाया हुआ है जैसे आज कुछ है ही नहीं, 31st है ही नहीं, और कोई न्यू ईयर नहीं है,
सब लोग अपना खाना आना खा के सो गए। मेरे ख्याल से सुबह सबकी सफारी है, हम लोग की सफारी नहीं, हम लोग सफारी नहीं करी तो हम लोग को खुद ही इंजॉय करना पड़ रहा था। यहाँ पर मैंने डिस्को लाइट लगा के रखी है, अभी रेड करके रखा हुआ है, पहले अपना मिक्सिंग लाइट चल रही थी। ये पकड़ा रही अकेले मजा तो इसलिए डांस हो रहा है क्योंकि शेडो में अच्छा लग रहा है। तो डुगू अभी सो रहा है तो उन्होंने सोचा इस चीज़ का कुछ फायदा उठा लिया जाए, थोड़ा सा इन्जॉय कर लिया जाए। यहाँ पे कोई इवेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, इतना अच्छा ग्राउंड था यहाँ पे, बहुत कुछ हो सकता था, डीजे वीजे लगवा के कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते थे, लेकिन लेकिन उसके लिए गैस का डिमांडिंग होना जरूरी होता है। अब गैस की डिमांड नहीं है क्योंकि डांस भी हो रहा था जहाँ पे, वहाँ पे भी गैस नहीं थे, एक दो ही कपल दिख रहे थे। ठंड बहुत जम के यहाँ पे, टेम्परेचर हाँ इससे पता चला कितनी ठंड है। तो अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, डुगू अभी तक नहीं उठा है, चलिए चलते हैं और डिनर कर लेते हैं। तो ये है हमारा आखिरी डिनर ईयर 2021 का। अब तो भैया मैं अगले साल खाना खाऊंगा, सिंपल सी बात है। अभी तो खा के फिर बोलना ना पागल, पहले खा लो उसके बाद बोलना कि अब मैं अपना जो अगला खाना है वो 2000। मैं तो भैया अगले साल खाऊंगा, सिंपल सी बात। मैं भी अगले साल अब मैं अगले साल खाऊंगा, मैं भी अगले साल खाऊंगी। क्या खाया जा रहा है? तो ये है पास्ता, वेज मंचूरियन, चाइनीज वेजिटेबल एंड हॉट गार्लिक सॉस, चाउमीन, सोया चाप जी, मटर पनीर है, थैंक यू। मटर पनीर खा रही है, उसको बेचारे की मेहनत खिलाफ कर रहा है। हीटर के पास में रखा गया है डुगू को कि सोता रहे। गर्मा गर्म सूप, डिटेल्स बताइए अपने खाने की। ये बटर चिकन, ये सोया चाप, ये मंचूरियन, ये मटन। तुम मटन तो खाते नहीं? खा लिया आज, अच्छा लग रहा है। और ये मेरी पूरी वेज थाली है। पूरे बटाते कर रहे हो? हो गए, हो गए बोल रहे हैं या यार, क्या फूट रहा है, मैं देख के आती हूँ, ये तो पटाखा लग रहा है। कुछ पता चले कुछ हो रहा है। पटाखे बाबा, नया साल मुबारक हो, अब आप एक साल के हो जाओगे। नहीं होगा, नहीं होगा, अब एक काट के बच्चों को दे दो ना, ये देरा कायम रहे महाराज किलवेश। तो शिवानी का डिनर, हम लोग का डिनर ही ख़त्म ही हुआ है, 12 बज गए, तो जल्दी से हम लोग डिनर ख़त्म करें और रूम में जाके हम लोग भी केक काटें। अभी जो मैंने केक दिखाया वो तो स्टाफ का केक था। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ टकले जानी, कहाँ जा रही, 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 हो गया वो अपना Happy New Year! Yeah!
Savannah, I'm coming home, Savannah. तो अब हम लोग अपना जो केक है वो मतलब मैं केक के साथ लुढ़क जाती हूँ वो काटने वाले हैं और यहाँ पे रत्न ने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। पूरा नहीं हुआ है, कल अच्छे से होगा। बहुत सारी चीजें आई है डेकोरेशन के लिए लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। हम लोग डिनर करने चले गए तो उसके पहले थोड़ा सो गया था मैं। क्यों आके ये सो भी गए थे, थक गए थे ड्राइव करके और सुबह से भी जल्दी उठ के काम ही काम बाद ये सुबह से उठे हुए थे ना जल्दी। तो अब हम लोग केक काटने वाले हैं। तो केक जो है सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है हमारा हैप्पी न्यू ईयर केक और ये रहा हमारा बेबी जिसका ये फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर है। और ये देखिए ना कुछ आपका साल मंगलमय हो और आपके घर में बहुत बहुत खुशियाँ आए, बहुत सारी खुशियाँ डबल हो गए, डबल डबल खुशियाँ आए हैं ना बिगु, हैं ना बिगु। ओह 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 उस दिन जब काटा था कोई अच्छा क्रिसमस का केक काटा था। कैसे लग रहा है बाबू आपको? तो ये जो है ये काफी हैप्पी है आज यहाँ पे आके। और पता है हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत थी इस प्यारी सी वेकेशन, क्योंकि क्या था सब कुछ अच्छा नहीं था, कुछ कुछ अच्छा था कुछ कुछ अच्छा नहीं था, है ना। घर से बाहर निकल ओ मुक्का मोड़ दिया, मुक्का मोड़ दिया। निन्नी आ रही है, इसको देखिए डुक्का का सिग्नल है निन्नी आने का। तो चलिए मैं डायपर चेंज कर रही हूँ इसका। आप क्या चाहते हैं आपका आने वाला साल? सब पता यही चाहते हैं कि सबका आने वाला साल अच्छा। हमारा तो आने वाला साल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस साल से तो लाख गुना अच्छा होगा, होना चाहिए, होगा होगा। क्योंकि मतलब बेबी बेबी है, दोनों बेबी को भैया चेंज करने का बड़ा मन कर रहा है, पता ऐसा लग रहा है। तो चलिए थोड़ा सा ब्लॉग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और फिर ब्लॉग को करेंगे हम एंड। नाच भी रहे हैं, अब पता हिम्मत नहीं हो रही, पैर दर्द हो रहे। सुबह से ऐसा लग रहा था कि बस आए तो सो जाए पर ये लग रहा था कि नया साल में फिर हमें लोग पता चला कि सो रहे हैं 11-12 बजे तक, अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि वैसे जगह रहते हैं और जब जरूरत हो तब। और टोपी लगाने के बाद किस किस को खुजली होती है ये बताइएगा मुझे, ऐसा लगता है पता नहीं ये माथे पे ऐसा लगता है, पर जरूरी भी है।